और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्टार्टिंग में अभी जो प्रीव्यू देखा, अगर आप भी कुछ उस तरह का हिंदी स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, मेरे वीडियो को कर लीजिएगा लाइक एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो आपको इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है अलाइट मोशन आपके प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको बिना वाटर मार्क वाला डाउनलोड करना है मोड वर्जन, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो को जो है स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के, एंड अलाइट मोशन ऐप्स को जो है ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो मैं अलाइट मोशन ऐप्स को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है प्रोजेक्ट का, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बिट मार्क और स्टिकी पैक दिखेगा, जो भी डिस्क्रिप्शन से आप इंपोर्ट कर रहेंगे, तो दोनों जो है आपको अलाइट मोशन में डायरेक्ट लेकर चलाएगा। तो यहाँ से आपको बिट मार्क पर क्लिक कर देना है। बिट मार्क पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे प्रोजेक्ट जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख अरे सॉरी फ्रेंड मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर आ जाना है थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे आने के बाद यहाँ से आपको फिल कमीशन एरिया पे क्लिक कर देना है। फिल कमीशन एरिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा फोटो का जो लेंथ है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आपको तीन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तीन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो कट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको दूसरा फोटो लेना है, तो इस वाले प्लस पे जाना है। प्लस पे जाने के बाद यहाँ से आपको मीडिया पे जाना है एंड दूसरा फोटो ले लेना है। दूसरा फोटो लेने के बाद यहाँ से आपको थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ से आपको फिल कमीशन एरिया पे क्लिक कर देना है एंड थ्री पे क्लिक करके एंड एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। तो मैं फ्रेंड अपने वीडियो में जो भी फोटो को ऐड करता हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ, तो मैं फटाफट जो है सारे फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैं सारे फोटो को जो ऐड कर लिया है। फोटो ऐड करने के बाद यहाँ से आपको ये जो सारे फोटो दिख रहे हैं इस पर आपको लगाना है सेक इफेक्ट। तो सेक इफेक्ट लगाने के लिए ऐसे आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपको सेक इफेक्ट पे चले जाना है। सेक इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आपको जो फर्स्ट वाला फोटो दिख रहा है इसको आपको इफेक्ट दिख रहा है इसको आपको कॉपी करना है, तो इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। इस वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है प्लस सॉरी फ्रेंड इफेक्ट का, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो थ्री डॉट दिख रहे हैं इस पर क्लिक कर देना है, कॉपी इफेक्ट कर देना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपको फिर से बिट मार्क पे जाना है। बिट मार्क पे आपको जाने के बाद यहाँ से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आपको ये जो फर्स्ट वाला फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ से आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको दूसरा वाला फोटो लेना है एंड इफेक्ट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको 9 सेकेंड 3 पे आ जाना है। तो मैं फटाफट जो है 9 सेकेंड 3 पे आ जाता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैं 9 सेकेंड 3 पे जो है आ चुका हूँ। आने के बाद यहाँ से आपको ये जो फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ से आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से ये जो आपको सारे फोटो दिख रहे हैं इस पर हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट लगेगा, तो आप लगा लेना। तो मैं फटाफट सॉरी फ्रेंड मैं जो अभी हमारा जो स्टेटस का जो तो ये जो मैं सारा जो इफेक्ट ये जो आप फोटो देख रहे हैं इस पर भी आपको इफेक्ट लगा लेना है। तो मैं जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, आप कहीं नहीं लगेगा। तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपको फिर से सेक इफेक्ट पे चले जाना है। सेक इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको दूसरा इफेक्ट कॉपी करना है, इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। इस वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है एंड थ्री डॉट पे जाके इसको भी कॉपी इफेक्ट कर देना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपको फिर से बिट मार्क पे चले जाना है। बिट मार्क पे आपको जाने के बाद यहाँ से आपको 9 सेकेंड 3 पे आ जाना है। 9 सेकेंड 3 पे आने के बाद यहाँ से आपको ये जो जिस पे आप इफेक्ट लगाए थे उसके बगल में जो ये वाला फोटो दिख रहा है बड़ा सा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाके इसको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारा जो दूसरा इफेक्ट है यहीं तक एक ही फोटो पे यहाँ पे लगेगा। फिर यहाँ से आपको आना है 10 सेकेंड 28 पे। तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैं 10 सेकेंड 28 पे आ चुका हूँ। आने के बाद यहाँ से आपको इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। इस वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है एंड थ्री डॉट पे जाना है एंड पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको आना है 12 सेकेंड 19 पे। तो 12 सेकेंड 19 पे आने के बाद यहाँ से आपको जो फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से थ्री डॉट पे जाना है एंड पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको 14 सेकेंड 8 पे आ जाना है। 14 सेकेंड 8 पे आने के बाद यहाँ से आपको इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है।
इस वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जो हमारा दूसरा इफेक्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपको फिर से सेक इफेक्ट पे चले जाना है। सेक इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको तीसरा वाला इफेक्ट कॉपी करना है, तो इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। इस वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है एंड थ्री डॉट पे जाके इसको भी कॉपी इफेक्ट कर देना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको फिर से बिट मार्क पे चले जाना है। बिट मार्क पे आपको जाने के बाद यहाँ से आपको आना है 9:21 पे। 9:21 पे आने के बाद यहाँ से आपको 9:21 पे आने के बाद यहाँ से आपको ये जो फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको दूसरे वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। दूसरे वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ से हमारा दूसरा तीसरा वाला जो इफेक्ट है यहाँ पे दो फोटो पे लगा। फिर यहाँ से आपको आगे आना है 11:10 पे। 11:10 पे आने के बाद यहाँ से आपको इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। इस वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको इस दूसरे वाले फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है एंड थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको 13:01 पे आ जाना है। तो 13:01 पे आने के बाद यहाँ से आपको इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। इस वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है एंड थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको दूसरा वाला फोटो को क्लिक कर देना है। इस वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारा तीसरा वाला इफेक्ट वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपको फिर से सेक इफेक्ट पे चले जाना है। सेक इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको चौथा वाला इफेक्ट कॉपी करना है, तो इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। इस वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको थ्री डॉट पे जाना है एंड कॉपी इसको भी कॉपी इफेक्ट कर देना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपको फिर से जो है बिट मार्क पे चले जाना है। बिट मार्क पे आपको जाने के बाद यहाँ से आपको आना है 10:16 पे। 10:16 पे आपको आने के बाद यहाँ से आपको इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ से आपको 10:16 वाला जो फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है एंड इफेक्ट पे जाना है। इसको भी थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको 12:06 पे आ जाना है। 12:06 पे आने के बाद यहाँ से आपको इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। इस वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है एंड थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको फिर से 12:06 पे आ जाना, सॉरी फ्रेंड 13:27 पे आ जाना है। तो 13:27 पे आने के बाद यहाँ से आपको इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। इस वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है एंड थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको 14:28 पे जाना है। 14:28 पे आने के बाद यहाँ से आपको इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। इस वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको 15:17 दिख रहा है इस पर भी हमारा चौथा इफेक्ट लगेगा, तो इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। इस वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है एंड थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारा चौथा वाला जो इफेक्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपको फिर से सेक इफेक्ट पे जाना है। सेक इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से ये वाला जो फोटो दिख रहा है पाँचवा वाला इफेक्ट कॉपी करना है, तो इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है एंड इफेक्ट पे जाना है एंड थ्री डॉट पे जाके इसको भी कॉपी इफेक्ट कर देना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपको फिर से सेक इफेक्ट पे जाना है। सेक इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको 15:28 पे आ जाना है। 15:00 आपको 28 पे आने के बाद यहाँ से आपको ये जो फोटो दिख रहा है इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। इस वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट पे जाना है एंड थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको खाली जगह पे क्लिक कर देना है एंड दूसरा वाले फोटो पे क्लिक करना है एंड इफेक्ट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट करना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद यहाँ से आपको इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है एंड इफेक्ट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको फिर से इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाके इसको भी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको ये फोटो दिख रहा है इस पर आपको पचवाना इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ से किसी भी सारे फोटो पे जो इफेक्ट लगा लीजिएगा। तो मैं अभी इफेक्ट जो है लगा के आपको दिखा नहीं रहा हूँ, तो अभी यहाँ से हमारा जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है और सारे इफेक्ट जो हम लगा लिया है। तो फिर यहाँ से आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से आपको सेटिंग के बगल में जो ये वाला एरो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक्सपोर्ट नीचे जो आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको हमारा जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होने लगेगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।